सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज़ इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में हैं, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड है, पिछड़े एरियाज़ और पहाड़ी इलाकों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाले हैं और क्या क्या संस्थाएं बनाई हैं, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखो, गवर्नमेंट ये चीज़ जानती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में अगर आप देख लो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देख लो, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट के हिसाब से देख लो, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और ये समझती है कि अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा और उसकी डेवलपमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस भी देनी पड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि देश का डेवलपमेंट हो और इसको करने के लिए उसने ये रास्ता निकाला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में, उनको प्रमोशन, उनको सहायता दी जाए। पैसों की सहायता हो सकती है, किसी और तरह की असिस्टेंस हो सकती है, वो सब उनको दी जाए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, फले फूलें। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स वगैरह को लगा रखा है ताकि वो इस काम में गवर्नमेंट की सहायता करे। तो जो भी सपोर्ट मेजर्स गवर्नमेंट सामने लेके आई है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज, उसको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो है नंबर वन, वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है, कुछ संस्थाएं सेटअप की हैं जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ को काम करने में, ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। ये तो हो गई संस्थाएं। और दूसरी क्या है? दूसरी है कुछ स्कीम्स है, इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, ये कुछ इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में दो टाइप के मेनली इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहला है जो कि सेंट्रल लेवल पे है, वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में हम NSIC कहते हैं। ये 1955 में सेटअप हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने देश में प्रमोट करना है और बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मेन फोकस किस काम पे था? सबसे पहले है टू सप्लाई इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, दुर्लभ और इम्पोर्टेड मशीन्स, बाहर से इम्पोर्ट की हुई मशीन्स को अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खरीदनी चाहती है अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए या किसी भी और काम के लिए, तो उसको ईजी इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। उसमें जो पैसे इन्वेस्टेड होते हैं उसकी संख्या काफ़ी कम होती है। ठीक है, उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए एक बार में मशीन का टोटल कॉस्ट दे पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर पाएँ, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इंपोर्टेड मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो है NSIC उनको सपोर्ट देती है। दूसरा क्या है? टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। अब कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बस की बात नहीं होती है कि वो डायरेक्टली विदेशों से इम्पोर्ट कर ले रॉ मटेरियल्स, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स या जैसे भी उसको चाहिए, तो NSIC क्या करती है, उनके बिहाफ में वो विदेशी एजेंसियों को कॉन्टैक्ट करती है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकें, उनसे खरीदती है और ख़रीदने के बाद बिना प्रॉफिट के रॉ मटेरियल्स जो है वो फिर इन SSIs को सप्लाई कर देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ SSI। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स तो बना लेती है, पर उसको अपने देश में बेचने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, वो फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम कैपिटल लगे होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने मैसेंजर्स को फॉरेन मार्केट में भेजें और वहाँ पर एक्सप्लोर करें कि फॉरेन मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं, वो एक्सपोर्ट कर भी पाएंगे कि नहीं, प्लस एक्सपोर्ट के काफ़ी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। चौथा पॉइंट,
टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज। तो एडवाइस भी करती है एनएसआईसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और मेंटरिंग भी करती है, यानी कि उसकी देखरेख भी करती है कि वो कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यानी नसीहत तो देती ही है, सलाह देती है, प्लस वो सलाह को ठीक से अमल कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी वो मॉनिटर करती रहती है। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, या मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है और इस प्रोडक्शन को करने के लिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में इसको नॉलेज नहीं है, तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना भी एनएसआईसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी उनको प्रदान करना, ये भी एनएसआईसी का एक सपोर्ट होता है। ओके, एक नया स्कीम आया है एनएसआईसी का कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेज और क्रेडिट रेटिंग को आंकलन किया जाए। ठीक है, आंकलन यानी कि उसका एग्जामिनेशन किया जाए। तो ये एनएसआईसी क्यों करती है स्मॉल एजेंसीज़ की, या स्मॉल एजेंसीज़ नहीं, एक्चुअली स्मॉल बिजनेसेस की परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग को एनालाइज क्यों करती है, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट रेटिंग की इम्पॉर्टेंस और नीड के बारे में जागरूक बनाना है। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये एहसास दिलाना है कि क्रेडिट रेटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है वो अच्छी है तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये चीज़ समझाना होगा कि हर बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और क्रेडिट रेटिंग को अच्छा बनाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेजिंग एसएसआई टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। अब ये भी क्रेडिट रेटिंग से ही रिलेटेड है, एसएसआई को हमेशा एनकरेज करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड रखें, यानी कि जिससे भी उधार लिया है उसको टाइमली पेमेंट करें, अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करें। ठीक है, बैंक के लोन वगैरह की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं किस्त वो टाइमली चुका दें, किसी के पैसों को इधर उधर ना करें, अपने फाइनेंसेस की अच्छे से रिकॉर्ड रखें और उनको ट्रैक करें कि वो ठीक जगह पे यूज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो इससे इनकी क्रेडिट रेटिंग और परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, और एक बार क्रेडिट रेटिंग किसी एजेंसी की अच्छी हो जाती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर उसकी ग्रोथ की स्टोरी भी जो है वो चालू हो जाती है। तो ये तो था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, इसकी एक वेबसाइट है, देखो यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन गूगल में सर्च करने से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में जाकर आप अबाउट अस वाला सेक्शन में चले जाइए और वहाँ पर इसके सारे फंक्शंस को डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है, क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या सपोर्ट ये देती है। ठीक है, क्लास 11 12 के सिलेबस के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार जाके देख लें तो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अब एनएसआईसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप का इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है वो थोड़ा सा रूरल लेवल पे है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर को हिंदी में कहते हैं जिला उद्योग केंद्र। तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला होता है, हर स्टेट में हर राज्य में बहुत सारे ज़िले होते हैं और हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर होता है। ओके, अगर आपके स्टेट में 10 ज़िले हैं तो वहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होंगे। ये सेटअप हुए थे 1978 फर्स्ट मई को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और ये सारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर सेटअप हुए थे। ठीक है, तो हर ज़िले में होने के कारण छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो आसानी से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जा आ सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो स्कीम्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं और उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, प्लस ये सेंटर्स उनको हेल्प करती है कि वो एक अच्छा सूटेबल स्कीम आइडेंटिफाई करके दे उनके लिए, यानी कि जो एसएसआई मान लो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के पास गई है उसको वो हेल्प करेगी कि कौन सा स्कीम, जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है एसएसआई के लिए, कौन सा स्कीम इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करके देती है और क्रेडिट भी अरेंज करके देती है, यानी कि इस एसएसआई के लिए बैंक वगैरह से बात करती है, बैंक वगैरह में पेपर्स फॉरवर्ड करती है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ताकि बैंक जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की रिकमेंडेशन पे इस एसएसआई को लोन दे सके और ये फिर अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सके। ओके,
तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंडर भी अभी आता है, जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों में एक एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड जो है वो जागरूक हो। अब एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड क्या है? आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि वो लोग चाहते हैं कि एक कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस वो नौकरी करें, ज़िंदगी भर सैलरी कमाएं और लाइफ जो है वो आराम से कटे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना कोई काम करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डूब जाए तो डूब जाए, उसका रिस्क हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड, जहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि हम अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके हम अपने लिए रोजगार करेंगे। नौकरी में आप दूसरे के लिए काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड में आप खुद के लिए काम करते हैं, खुद की तरक्की के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इस एटीट्यूड को बढ़ावा देने का काम भी DIC करती है। वो लोगों को, बेरोजगार लोगों को समझाती है कि अगर आप ऐसा बिजनेस सेटअप करोगे तो आपके लिए ये फाइनेंसिंग स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसी ऐसी सहूलियतें आपको मिलेंगी, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, सेटअप कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स दे रही है? तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में कुछ एरियाज़ तो बहुत रैपिडली डेवलप हो गई, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे रह गए जो बिल्कुल ही पिछड़े और अंडर डेवलप्ड रह गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉन बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि एक शहर है मुंबई जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया और बगल में एक गांव है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाया, तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री ने जो तरक्की की है वो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं थी, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई और कुछ एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल पिछड़े ही रह गए, ठीक है। पर हमको बैलेंस रीजनल ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी कंट्री की तरक्की के लिए, क्योंकि बैलेंस रीजनल ग्रोथ से आपको क्या मिलता है? आपको पहला तो मिलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द एरियाज़, हर एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। आपने देखा होगा कि लोग जनरली गांव से, पिछड़े एरियाज से शहर की तरफ जाते हैं, क्यों? पैसे कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। क्यों जाते हैं? कोई अपने घर परिवार को छोड़कर क्या जाना चाहता है? वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि शहरों में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, गांव में ना के बराबर होती हैं या बहुत ख़राब होती हैं, वहाँ पर तनख्वाह वगैरह कुछ बिल्कुल भी मिलती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको दूर करना है, हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना है सभी एरियाज़ में, इंक्लूडिंग रूरल एरियाज़, सिर्फ अर्बन एरियाज़ ही नहीं, रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। अब जब रूरल एरियाज़ बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रहेंगे तो वहाँ की लोकल स्किल्स और रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, उनकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डेवलप होती है, तो उसके साथ उनकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। स्किल्स कैसे बढ़ेंगी? मैंने पिछले वीडियो में एक बुनाई कढ़ाई का एग्जाम्पल बताया था आपको, जहाँ पर बोला था कि एक औरत के पास बुनाई कढ़ाई का स्किल था और उस औरत ने कुछ दूसरी औरतों को उस चीज़ की ट्रेनिंग दी और फिर उन लोगों ने मिलके एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोला कढ़ाई करने के लिए, तो इससे लोकल स्किल्स की डेवलपमेंट हुई। लेकिन अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं खुलता, ठीक है, तो और लोग अगर उस औरत के साथ नहीं जुड़ते और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाते तो लोकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, उस औरत की कारीगरी उसी के पास रह जाती और उसके मौत के साथ ऊपर चली जाती, किसी और को नहीं मिलती। और रिसोर्सेज की डेवलपमेंट भी, जो मैंने बताया था कि थोड़े थोड़े सेविंग्स को पूल करके अगर ये लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उनके पास भी जो रिसोर्सेज हैं उसमें वृद्धि आएगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है टू रेस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज। ये चीज़ मैंने पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दी थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अर्बन एरियाज़ की तरफ लोग भाग रहे हैं, शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इससे शहरों की आबादी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, हद से ज़्यादा, जिससे अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, ओके। और रूरल एरियाज़ जो हैं उनसे जब लोग भाग के इधर उधर चले जा रहे हैं तो रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। जब लोग ही नहीं रह रहे वहाँ पर तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी? तो इसीलिए बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द हिली एरियाज़। और गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव हमको दिए हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये सारे इंसेंटिव्स जो हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट है,
ये गवर्नमेंट ने रूरल और बैकवर्ड एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए दिया है। सबसे पहला क्या है देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दिस एरियाज एट कंसेशनल रेट्स। इन एरियाज में लैंड यानी कि जमीन कम दाम में अवेलेबल करवा रही है गवर्नमेंट। अगर कोई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको बुलाती है कि आओ बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री जो है आप लो, हम आपको बहुत कम से कम दाम में लैंड अवेलेबल करवाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसको लैंड रेवेन्यू में लॉस तो होता है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शहरों से थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में आके बस जाएं। दूसरा पॉइंट, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरियाज। गवर्नमेंट अपने सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट के खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह उनको सेटअप करना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि बैकवर्ड एरियाज में लगाया जाए ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको उसमें रोजगार वगैरह मिल सके। थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन बैकवर्ड एरियाज। गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को बोलती है कि आप बैकवर्ड एरियाज में अपने इंडस्ट्री लगाओ। अब ये चीज़ क्यों बोलती है, वो चाहती है कि बैकवर्ड एरियाज की भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, वहाँ की सड़कें वगैरह अच्छी होंगी, वहाँ पर बिजली पहुँचेगी वगैरह, तो इंडस्ट्रीज़ को वो लैंड में कंसेशनल रेट्स देती है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं राजी हो जाएं बैकवर्ड एरिया में अपने एस्टेट सेटअप करने के लिए। वरना इंडस्ट्रीज़ कहेंगी कि मैं शहरों में अच्छे से सेटअप कर लूँगा, मुझे वहाँ पर रॉ मटेरियल्स हाथों हाथ मिल जाएगा, काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे, सब कुछ सुविधाएं मुझे बगल में मिल जाएंगी, तो मैं बैकवर्ड एरिया क्यों जाऊं। तो इसके लिए गवर्नमेंट और कुछ सब्सिडीज़ देती है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वो बैकवर्ड एरिया में अपने एस्टैब्लिशमेंट लगा सकें। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। अब किसी बैकवर्ड एरिया को अगर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यानी कि सड़कें वगैरह जो हैं वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बैंकिंग की फैसिलिटी हो। बिना बैंकिंग के कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस के बिना तो कोई बिजनेस रन करेगा नहीं, उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक्स वगैरह वहाँ पर खुले हुए होने चाहिए, अगर प्राइवेट बैंक्स नहीं भी हैं तो गवर्नमेंट को सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, वो सब वहाँ पर है कि नहीं वो चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं है तो वहाँ पर खुलवाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो वहाँ पे मुहैया करानी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पहुँच रहे हैं। पांचवा पॉइंट है ऑफरिंग टैक्स कंसेशंस टू यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज़। अब जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया कि गवर्नमेंट चाहती है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बैकवर्ड एरिया में सेटअप हों, अब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो बैकवर्ड एरिया में अपने एस्टैब्लिशमेंट क्यों सेटअप करेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको काफ़ी सारे लालच देती है, काफ़ी सारे प्रलोभन देती है कि बैकवर्ड एरिया में सेट करो तो मैं तुम्हें कुछ फ़ायदे दूंगा। कैसे फ़ायदे, टैक्स कंसेशंस, अगर तुम बैकवर्ड एरिया में अपने यूनिट्स लोकेट करोगे तो तुमको टैक्स में छूट दी जाएगी। और क्या है, फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स फॉर इंडस्ट्री सेटअप इन दिस एरियाज, आपको सस्ते रेट में लोन वगैरह दी जाएगी अगर आप इन बैकवर्ड एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज सेटअप करते हो। और भी कुछ सब्सिडीज़ हैं, क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। इसका फंडा क्या है कि शहरों में जो है रॉ मटेरियल्स आपको बगल में ही हाथों हाथ मिल जाएगा अगर आप इंडस्ट्री शहर में सेटअप करते हैं या अर्बन एरिया में सेटअप करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो फिर आपको रॉ मटेरियल्स जो है दूर से ढो के लाना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। तो सरकार कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सब्सिडी दे दूंगा, कुछ छूट दे दूंगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल सब्सिडी। फिक्स्ड एसेट्स को खरीद के अगर आप इंडस्ट्री में लगाते हैं जो कि इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप की गई है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुमको कैपिटल सब्सिडी मैं दे दूंगा। ठीक है, तुम इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगाओ, अपने फिक्स्ड एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा उस पर भी तुमको कुछ छूट दे दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट, बैकवर्ड एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए, अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक हिस्सा जो है वो अपने खुद बियर करती है, उसमें भी कुछ सब्सिडी देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सब्सिडीज़, टैक्स कंसेशंस हैं, लो रेट में इंटरेस्ट देती है, कम दाम में ज़मीन दे रही है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बस इसलिए कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो लोग बैकवर्ड एरिया को चुने अपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए,
ताकि वहाँ की भी लोकल ग्रोथ हो सके। अब जैसे ही किसी बैकवर्ड एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगे तो वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क वगैरह की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी, हॉस्पिटल्स वगैरह भी लग जाएंगे, स्कूल्स वगैरह भी खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बैकवर्ड एरिया की भी ग्रोथ होगी, तो ये थोड़ा सा बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगा। और भी गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन था इंसेंटिव स्कीम्स का जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि चैप्टर 8 ख़त्म। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।